हम लोग जो है पॉलीसेकेराइड की बात कर रहे थे, ठीक है, किसकी बात कर रहे थे? पॉलीसेकेराइड की बात कर रहे थे हम लोग। तो पॉलीसेकेराइड क्या थे ये मैंने आप लोगों को कल समझाया था, ठीक है, क्या थे पॉलीसेकेराइड, जिसमें जो है 20 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, और एक संरचना का निर्माण करते हैं, वो पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। इसमें हमने दो प्रकार पढ़े, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटरोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड क्या है, जिनमें सिंगल टाइप की रिपीटेटिंग शुगर होती है, होमोपॉलीसेकेराइड कहलाते हैं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज। इसके बाद हेटरोपॉलीसेकेराइड जिसमें एक से ज़्यादा शुगर होती है, एक से ज़्यादा प्रकार की शुगर होती है, वो क्या कहलाती है, हेटरोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियल सेल वॉल। इसके बाद आ जाता है पॉलीसेकेराइड को हम इस तरह भी जो है बांट सकते हैं, एनर्जी स्टोरेज के आधार पर और स्ट्रक्चरल रोल के आधार पर। तो एनर्जी स्टोरेज अगर हम देखें तो जैसे कि स्टार्च होती है, ठीक है, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, इसे हम खाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिल सकती है, ठीक है, एनर्जी जो है इसमें स्टोर रहती है। या फिर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इसमें भी ऊर्जा जो है संचित रहती है, ये ऊर्जा संचित के पदार्थ हैं, ऊर्जा को संचित करने वाले पदार्थ हैं ये, जैसे आलू होता है, आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। तो आलू आप खाएंगे मतलब वो स्टार्च जो आप खाएंगे उससे क्या मिलेगी, आपको ऊर्जा मिलेगी, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, ये ऊर्जा को संचित करने वाले पदार्थ है जिनके अंदर ऊर्जा छिपी होती है, ठीक है। आलू में क्या है, स्टार्च है, आलू आप खाएंगे वो स्टार्च आपके सिस्टम में जाएगा और उससे आपको क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा संचित करने के ये पदार्थ है, ठीक है। तो एनर्जी स्टोरेज का काम कर सकते हैं। और दूसरा है स्ट्रक्चरल रोल, दूसरा है क्या, ये तो था एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज का मतलब है ऊर्जा को संचित करने वाला, ठीक है, वो क्या है, स्टार्च और ग्लाइकोजन। दूसरा है स्ट्रक्चरल रोल, ये तो एनर्जी स्टोरेज, दूसरा है स्ट्रक्चरल रोल। स्ट्रक्चरल रोल में क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चरल रोल में आ जाएगा ऐसे पॉलीसेकेराइड जो किसी संरचना का निर्माण करते हैं, ऐसे पॉलीसेकेराइड जो किसी संरचना का निर्माण करते हैं, किसी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे सेल वॉल बनाते हैं, ठीक है, जैसे क्या बना सकते हैं, सेल वॉल, सेल वॉल मतलब, सेल वॉल का मतलब क्या है, कोशिका भित्ति, है ना, सेल वॉल का मतलब क्या है, कोशिका भित्ति। तो जैसे सेलुलोज सुना है आपने, सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज पता है क्या होता है, बताओ जरा सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है, जो प्लांट सेल होती है उसकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, मतलब ये क्या कर रहा है, पॉलीसेकेराइड, ये एक पॉलीसेकेराइड है जो कि कोशिका भित्ति का निर्माण कर रहा है, ठीक है, प्लांट सेल वॉल का फॉर्मेशन कर रहा है, स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा है, स्ट्रक्चरल रोल है यहाँ पर निर्माण करने का कार्य है, ठीक है। दूसरा काइटिन हो सकता है, काइटिन ये जो फंगस होती है, कवक, कवक कोशिका होती है, जो कवक कोशिका के चारों ओर जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। पेक्टिन हो सकता है, हेमी सेलुलोस हो सकता है, ठीक है, ये कुछ जो है स्ट्रक्चरल रोल है इनके, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स का निर्माण भी कर सकते हैं पॉलीसेकेराइड, जैसे डर्मेटन और केराटिन, ठीक है, मैट्रिक्स का निर्माण भी कर सकते हैं मैट्रिक्स, जैसे कि डर्मेटन है और केराटिन है, ठीक है। तो ऊर्जा भी संचित रह सकती है पॉलीसेकेराइड के अंदर, और स्ट्रक्चर भी, संरचना का निर्माण भी कर सकते हैं ये। इसके बाद हम बात करते हैं
स्टोरेज पॉलीसेकेराइड की, जो कि स्टार्च है। सबसे पहले हम स्टार्च की बात करेंगे।